नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एडिटिंग मेन्यू के बारे में। एडिटिंग के अंदर आप देखेंगे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आपका ऑटो सम, फिल, क्लियर, शॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड एंड सिलेक्ट। इन सभी ऑप्शंस के बारे में हम आज जानने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर बाकी के जो मेन्यूज़ हैं, जैसे सेल्स हो गए, आपके स्टाइल्स हो गए, इन सभी मेन्यू के बारे में मैंने पिछली वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप हमारे आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडिटिंग का टॉपिक है, तो एडिटिंग मेन्यू के टॉपिक को हम आज क्लियर करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह से आपके लिए बेहतरीन वीडियोज लाते रहेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे आपके बहुत ही काम आने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑटो सम वाले ऑप्शन की, यानी यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे आपके सामने फंक्शंस हैं, जैसे सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक फंक्शंस है, यानी एक फॉर्मूलेज है। इनको डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर हिंदी के हमारे पास कुछ मार्क्स हैं। अगर मुझे इन सभी का टोटल चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट करके सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे इसका टोटल मार्क्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप दूसरा फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जो दूसरा फॉर्मूला है हमारा, वो है हमारा एवरेज का। अगर आप इन सभी सब्जेक्ट्स का एवरेज निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपल एवरेज पे क्लिक करिए, और उसके बाद जैसे आप देखेंगे यहाँ पर तो आपकी एवरेज यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला पुट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप चाहें तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप काउंट नंबर्स का यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम का यूज कर सकते हैं, मिनिमम का यूज कर सकते हैं। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके सामने एक और ऑप्शन है मोर नंबर फंक्शंस का। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपके सारे फंक्शंस यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। यहाँ से जाकर के आप अपने ऑल फंक्शंस को ले सकते हैं, डेट और टाइम्स के फंक्शंस को ले सकते हैं, फाइनेंशियल फंक्शंस ले सकते हैं, टैक्स के फंक्शंस ले सकते हैं, लॉजिकल फंक्शंस ले सकते हैं। तो बहुत सारे फंक्शंस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऑल पे क्लिक करके जो भी फंक्शन आप करना चाहते हैं वो फंक्शन यहाँ से सिलेक्ट करके उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल हमारा कॉन्सेप्ट था डायरेक्टली फंक्शन यूज करने का, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नीचे आप देखेंगे एक ऑप्शन आपके सामने है फिल का। तो सबसे पहले मैं इन तीन चीज़ों के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है डाउन, उसके बाद है राइट, और उसके बाद है अप। अब ये किस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए हम चले जाते हैं अपनी शीट पर। शीट पर जाने के बाद हम यहाँ से इस फॉर्मूले को रिमूव कर देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर हमने सम का फॉर्मूला लगाया हुआ है। इस फॉर्मूले को हम यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद इसको हम पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने सिंगल एक फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है, बाकी सारे के सारे सेल्स हमारे ब्लैंक्स हैं। इन सभी को हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम चले जाते हैं फिल वाले ऑप्शन पर। फिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर हम ले लेंगे डाउन, क्योंकि हमारी जो पोजीशन है वो डाउन साइड हमने सेलेक्ट की हुई है, तो इसलिए हम डाउन का यूज़ करेंगे। डाउन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर हमारे जितने भी फॉर्मूलेस थे वो यहाँ पर डाउन साइड में पेस्ट हो चुके हैं। यानी ये बेसिकली क्या काम करता है, ये फॉर्मूले को पेस्ट करने का काम करता है, और साथ के साथ ये वैल्यूज़ को पेस्ट करने का भी काम करता है। वो भी मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा वन, वन को लिखने के बाद हमने इसे क्लिक किया और हमने इसे राइट साइड में सिलेक्शन दे दिया। राइट साइड सिलेक्शन करने के बाद अब हम चले जाते हैं वापस से फिल वाले ऑप्शन पर। फिल वाले ऑप्शन पर जाने के बाद हम यहाँ से राइट को सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम राइट सिलेक्ट करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर राइट साइड में वो वैल्यू पेस्ट हो चुकी है। यही काम अगर आप फॉर्मूले पे करना चाहें, राइट साइड में फॉर्मूला यूज करना चाहें, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको जाना है अपनी शीट पर। शीट पर जाने के बाद यहाँ पर हम सम का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। शॉर्टकट की से ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू से हमारा सम आ गया, और इस फॉर्मूले को मुझे राइट साइड में अगर पेस्ट करना है तो यहाँ से आप यूज कर लीजिए फिल वाला फंक्शन, और यहाँ से कर दीजिए राइट साइड। तो राइट साइड में आप देखेंगे इन सभी का टोटल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो है अप, तो यानी ऊपर की साइड में भी हम इसको यूज कर सकते हैं अप साइड में। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर कोई भी वैल्यू टाइप कर लीजिए और इसको ऊपर की तरफ सिलेक्शन इसका कर लीजिए। ऊपर की तरफ सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से आप फंक्शन यूज करिए अप का, तो आप देखेंगे आपकी जो वैल्यू थी वो अप की तरफ इम्पोर्ट हो चुकी है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका फिल के बाद एक्रोस वर्कशीट का। अब ये एक्रोस वर्कशीट अगर आप देखेंगे तो अभी हमारे सामने एक्रोस वर्कशीट डिसेबल है। अगर आप अपने इस शीट को एक से अधिक शीट के अंदर कॉपी करना चाहते हैं तो उसका यूज आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे शीट वन, शीट टू, शीट थ्री के अंदर हमारा कोई भी डेटा नहीं है, तो इन तीनों शीट्स पर मैं चाहता हूँ मेरा यही डेटा सेम एज इट इज पेस्ट हो जाए, यानी कॉपी होकर के पेस्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, शीट को एकदम सिलेक्ट करके रखना है। शीट को सिलेक्ट करने के बाद आपको आ जाना है अपने शीट्स के ऊपर।
शीट्स के ऊपर आने के बाद आपको क्या करना है, यानी आपकी जो शीट है जिसपे आपका डेटा है उस वाली शीट को आपको सिलेक्ट करके रखना है। इसके बाद अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है शिफ्ट, और शिफ्ट के साथ आपको सबसे लास्ट जहां तक आपको ये कॉपी चाहिए, जहां तक आप अपने डेटा को कॉपी करना चाहते हैं जितनी शीट्स तक, वहां पर क्लिक कर दीजिए। तो हम यहां पर 3 पर क्लिक कर देते हैं, तो ये बाकी की जितनी भी शीट्स होगी उन सबको ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। अब आपको करना क्या है, आपको वापस से आ जाना है उसी ऑप्शन पर, यहां से आपको जाना होगा फिल वाले ऑप्शन पर, और यहां से आप देखेंगे आपका ये जो ऑप्शन था यहां पर हाईलाइट हो चुका है। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने 3 ऑप्शंस यहां पर ओपन हो गए। सबसे पहला ऑप्शन है ऑल, यानी कि जो भी आपका डेटा, जो भी आपका कंटेंट है वो पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं आप अदर शीट्स के ऊपर। दूसरा ऑप्शन आपसे बोलता है कंस्टेंट, यानी कि आप सिर्फ कंटेंट चाहते हैं, आप फॉर्मेटिंग नहीं चाहते हैं। और तीसरा ऑप्शन है आपका फॉर्मेट्स, आप सिर्फ फॉर्मेट को चाहते हैं, ना ही डेटा चाहते हैं ना ही कंस्टेंट चाहते हैं। तो मैं एक एक करके आपको तीनों के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। सबसे पहले हम ऑल को सिलेक्ट करके यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम बाकी की शीट्स पे क्लिक करते हैं, तो बाकी की शीट्स पे आप देखेंगे यहाँ पर आपका ये डेटा सेम एज इट इज पेस्ट हो चुका है। अब वापस से हम इसी शीट पर आ जाते हैं और इसके बाद प्रेस करते हैं कंट्रोल सेट। कंट्रोल जेड प्रेस करने के बाद आप देखेंगे शीट 1, शीट 2, शीट 3 के ऊपर कोई भी डेटा अभी नहीं है। तो हम फिर से वापस अपने उसी ऑप्शन पर जाते हैं, शीट्स को हमने सेलेक्ट कर रखा है पहले से ही, और सेलेक्ट करने के बाद हम चले जाते हैं अपने वापस उसी ऑप्शन पर, और ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर अक्रॉस वर्कशीट पर फिर से क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम ले लेते हैं कंस्टेंट, यानी हमें सिर्फ कंटेंट चाहिए और बाकी कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद आप देखेंगे शीट 1, शीट 2, शीट 3 के अंदर आपका कंटेंट आ गया। यहाँ पर आप देखें, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये आपका जो कंटेंट था वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया, और यहाँ पर कोई भी फॉर्मेटिंग आपकी शो नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पर फिर से कंट्रोल जेड कर लेते हैं। कंट्रोल जेड करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हम तीसरा ऑप्शन यूज करके देखते हैं। हमने डेटा पहले से ही सिलेक्ट किया हुआ, शीट को पहले से ही सिलेक्ट किया हुआ है। फिल में जाने के बाद हम यहाँ से यूज करते हैं अक्रॉस वर्कशीट, और यहाँ पर हम फॉर्मेट को सिलेक्ट करके यहाँ पर ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आप देखेंगे आपका सिर्फ फॉर्मेट यहाँ पर पेस्ट हुआ है, बाकी कोई भी चीज आपकी पेस्ट यहाँ पर नहीं हुई है। तो ये था हमारा अक्रॉस वर्कशीट, ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है आप एमएस एक्सेल का। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सीरीज का। सीरीज पर आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जिसमें रो है, कॉलम्स हैं, लाइनर है, ग्रोथ है, डेट है, ऑटोफिल है, और बाकी आप देखेंगे यहाँ पर जो तीसरा पार्ट है डेट यूनिट्स का, उसमें डे, वर्क डे, मंथ और ईयर है। तो सबसे पहले सीरीज इन है, टाइप है, उसके बाद डेट यूनिट्स हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेंड है, और स्टेप वैल्यू है, और स्टॉप वैल्यू है। तो इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन आप इन चीज़ों को सीखें जरूर, ये बहुत ही काम का फंक्शन है। तो इसके लिए थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर हम कोई वैल्यू टाइप कर लेते हैं, 1 हमने टाइप कर लिया है, उसके बाद हमने इसको कॉलम वाइज सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से, हम इसे कॉलम वाइज सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, और उसके बाद जाते हैं अपने इसी ऑप्शन पर, यानी फिल वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर जाकर के हम लोग सीरीज को सिलेक्ट करेंगे। सीरीज को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी हम कॉलम का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉलम को सिलेक्ट करके रखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे लाइनर्स, तो हम यहाँ पर फिलहाल लाइनर को सिलेक्ट करके रखते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये स्टेप वैल्यू क्या होती है और स्टॉप वैल्यू क्या होती है। स्टेप वैल्यू वो वैल्यू होती है जो हमारे डेटा के अंदर ऐड की जाती है, और स्टॉप वैल्यू वो होती है ये जब तक ऐड होगी, जब तक वो वैल्यू हमारी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक ये वैल्यू हमारी ऐड होती रहेगी। तो इसका मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे स्टेप वैल्यू के अंदर हमने 1 रखा हुआ है, और स्टॉप वैल्यू के अंदर हमने दे दिया यहाँ पर मान लीजिए 10 दे दिया। तो ये 1 तब तक इस 1 में प्लस होता रहेगा जब तक ये वैल्यू 10 नहीं हो जाती। तो हम इसे ओके करके देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये वैल्यू 10 तक यहाँ पर कंप्लीटली फिल हो चुकी है। इसके बाद ये तो कॉलम था, अगर रो वाइज आप इसको करना चाहते हैं तो रो को सिलेक्ट करके रखिए। रो को सिलेक्ट करने के बाद वापस से चले जाइए फिल के अंदर, और यहाँ पर ले लीजिए सीरीज। सीरीज लेने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सेम वही चीज़ फिर से रखनी है। यहाँ पर रो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया आपका, 1 से लेकर के आपको स्टॉप वैल्यू कब तक चाहिए जहाँ तक आप इसको रखना चाहते हैं, यानी ये 1 इस 1 के अंदर तब तक प्लस होगा जब तक कि ये वैल्यू नहीं आ जाती। तो हम यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं, लाइक हमने दे दिया यहाँ पर 10, और 10 देने के बाद हम यहाँ पर ओके करते हैं। तो ओके करने के बाद आप देखेंगे ये वैल्यू इसके अंदर 1111 करके पेस्ट होती चली गई, और जब तक इसकी एंडिंग वैल्यू 10 नहीं आ गई तब तक ये कम्प्लीटली इसमें 1 ऐड होता चला गया। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपका ग्रोथ। अब ये ग्रोथ ऑप्शन क्या काम करता है, ग्रोथ पर हम क्लिक कर लेते हैं। कॉलम वाइज सिलेक्ट करने के बाद आप चले जाइए वापस से फिल वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर सिलेक्ट करिए आपका सीरीज ऑप्शन। सीरीज ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है ग्रोथ का। तो कॉलम वाइज में ग्रोथ क्या काम करेगा, यहाँ पर स्टेप वैल्यू के अंदर हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने टाइप कर दिया यहाँ पर 2, तो ये 2 वैल्यू तब तक ऐड होती रहेगी जहाँ तक हमारा सिलेक्शन रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर ओके करके दिखाता हूँ। अब हुआ क्या, आप देखेंगे यहाँ पर 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे
टू से टू मल्टीप्लाई हुआ तो फोर हुआ, टू मल्टीप्लाई हुआ तो एट हुआ, और एट से टू मल्टीप्लाई हुआ तो 16 हुआ। इस तरीके से सीरीज तब तक चलती रहेगी जब तक आपका सिलेक्शन एंडिंग नहीं हो जाता। तो ये आप मल्टीप्लीकेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, वो ऑप्शन है हमारा डेट का। अब ये डेट ऑप्शन किस तरीके से काम करता है, तो ये आज की डेट है और इसके बाद हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब हम चले जाते हैं वापस से किस वाले ऑप्शन पर, वापस से फिल पे चले जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर डेट पहले से ही सिलेक्ट हो चुका है। अब डेट के अंदर आप देखेंगे सबसे पहला है वीक डे, सबसे पहला ऑप्शन है डे। तो यानी जब भी हम इस पर क्लिक करके यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे, ओके प्रेस करने के बाद होगा क्या, आप देखिए खुद क्या हो रहा है, यहाँ पर डेट वाइज आपका ये सिलेक्शन हो रहा है। यानी कि 22 के बाद 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर मैनेज कर दे रहा है। तो इस तरीके से आप इसकी फिलिंग कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, वो ऑप्शन है हमारा वीकडे का। एक्सेल के अंदर वीकडे बेसिकली क्या होता है, एक्सेल के अंदर वीकडे सैटरडे और संडे को छोड़ करके जो बाकी के दिन होते हैं वो वीकडे कहलाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम वीकडे को सिलेक्ट करके ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारी जो भी डेट्स आई है वो 22 तारीख, 23 तारीख, उसके बाद सीधे 26 तारीख आ गई। यानी सैटरडे और संडे को इसने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। अब मैं आपको कैलेंडर में इस चीज को दिखा देता हूँ, रिप्रेजेंट करा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे यानी 23 तारीख तक तो यहाँ पर शो अप कर रहा है, उसके बाद 24 तारीख और 25 तारीख को देखेंगे तो 24 तारीख हमारा क्या है, यहाँ पर सैटरडे है, और 25 तारीख हमारा क्या है, यहाँ पर संडे है, जिसकी वजह से हमारी ये डेट्स यहाँ पर नहीं आ रही है। तो वीकडे को क्या करेगा, ये यहाँ से रिमूव कर देगा, वो डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करेगा। और इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मंथ का, मंथ को सिलेक्ट करके जैसे आप यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे, ओके प्रेस करने के बाद होगा क्या, यहाँ पर आप देखिए आपका मंथ चेंज हो जाएगा। 7 के बाद 8 मंथ, 9 मंथ, 10 मंथ, 12 मंथ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से आपका ये मंथ शो अप हो जाएगा। डेट आपकी वही रहेगी, ईयर आपका वही रहेगा, बट मंथ चेंज होता चला जाएगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, वो है हमारा ईयर का। तो यहाँ पर वापस से हम इसी ऑप्शन पर चले जाते हैं और वापस से क्लिक करके ईयर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग ओके। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हुआ क्या, ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो भी हमारा डेटा था यहाँ पर ईयर चेंज हो चुका है। ये देखिए 2021, 2022, 2023, लेकिन डेट और मंथ दोनों सेम है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप अगर कोई डेटा फिलअप करना चाहें तो इस तरीके से आप डेटा को फिलअप कर सकते हैं। तो ये तो था डेट वाला ऑप्शन। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, वो है हमारा सीरीज के अंदर ट्रेंड का। अब ये ट्रेंड क्या काम करता है, ट्रेंड बेसिकली होता है ट्रेंड के लिए हम यहाँ पर कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पर 1 और उसके बाद लास्ट में हमने ले लिया यहाँ पर 100। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसके बीच में ये डिवाइडेशन हो करके बीच की जो भी वैल्यू हो वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाए। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर वापस से सीरीज के अंदर जाएंगे और यहाँ से यूज करेंगे ट्रेंड। और ट्रेंड सेलेक्ट करके जैसे हम ओके करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर इसकी जो बीच की वैल्यूज थी वो फुलफिल हो चुकी है डिवाइड होकर के, और बाकी 100 तक ये लास्ट आपकी सीरीज बन चुकी है। तो इस तरीके का अगर आपका कोई डेटा हो तो आप इस तरीके से आप इसको एडिट कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। मोस्टली कभी कभी हमारे पास इस तरीके का डेटा आ जाता है जो हमें इस तरीके से डिवाइडेशन करना पड़ता है, तो इसमें आपके सामने ऑप्शन है, इसको आप बहुत इजी तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा सीरीज के अंदर, वो है ऑटो फिल का। डेटा को हम लोग सिलेक्ट करके रखते हैं और यहाँ पर चले जाते हैं फिल वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग ऑटो फिल। ऑटो फिल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे हम ओके करेंगे तो ये सेम वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर देगा, यानी सेम वैल्यू को यहाँ पर फिल कर देगा। तो ये सारे ऑप्शंस आपके जो थे वो सीरीज के अंदर थे, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, वो ऑप्शन है जस्टिफाई का। अब ये जस्टिफाई क्या काम करता है, हम यहाँ पर बेसिकली एक टेक्स्ट टाइप करते हैं जैसे एक्सेल इंफोटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अब इतना लिखने के बाद हमने एंटर प्रेस किया और इसको सिलेक्ट किया, इसको मैं मैनेज करना चाहता हूँ, इसके सेल्स के साइज को थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ। इंक्रीज करने के बाद इसको सिलेक्ट करके हम चले जाते हैं फिल वाले ऑप्शन पर। फिल वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर, आप देखेंगे जो जस्टिफाई का ऑप्शन था ये यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है। इस जस्टिफाई ऑप्शन पर हम जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका साइज था वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली मैनेज हो चुका है। ये देखिए आपका जो कॉलम की विड्थ थी उसके हिसाब से आपका जो डेटा था यहाँ पर मैनेज हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप अपने डेटा को मैनेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कॉलम की विड्थ के हिसाब से अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं, यानी ये इसको जस्टिफाई कर देगा, यानी आपके डेटा के कंटेंट्स को ये जस्टिफाई करता है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया कमल कुमार पांडे और उसके बाद एंटर प्रेस करने के बाद मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ। उसको जस्टिफाई करने के लिए हम लोग चले जाएंगे वापस से फिल वाले ऑप्शन पर
तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो मैसेज है वो यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ये बता रहा है टेक्स्ट विल एक्सटेंड बिलो सिलेक्टेड रेंज, यानी जो हमारा टेक्स्ट है वो एक्सटेंड होगा जो भी हमने रेंज सेलेक्ट कर रखी है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर ओके करिए। यहाँ पर आप देखिए कमल कुमार पांडे जो है अपने इस सेल के हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई ऑप्शन यूज करने के बाद इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है फ्लैश फिल का। तो फ्लैश फिल ऑप्शन क्या काम करता है, फ्लैश फिल बेसिकली एक बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है एमएस एक्सेल का। पहले हमें इस फ्लैश फिल को यूज करने के लिए बहुत सारे फॉर्मुलेज यूज करने पड़ते थे। लेटेस्ट वर्जन जो भी हमारा अपडेट हुआ है एमएस एक्सेल का उसमें इन्होंने फ्लैश फिल का जो ऑप्शन दिया है जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे काम बहुत ही ईजी हो जाते हैं। तो मैं आपको एक एक करके इसके काफी सारे एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर मोहन कुमार, यानी हमने यहाँ पर कुछ नेम्स लिखे हुए हैं जिसमें मोहन कुमार, कमल शर्मा, दीपक सिंह, अमित, आदित्य त्यागी और पवन ठाकुर है। अब मैं यहाँ पर फ्लैश फिल क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसके फर्स्ट नेम को अलग करना और फ्लैश फिल करना, यानी कि इसके सर नेम को अलग करना, इसको भी फ्लैश फिल करना। तो यहाँ पर आपको एक बार इसको टाइप कर लेना होगा। टाइप करने के बाद आपको इस एरिया को सिलेक्ट करना है जहाँ पर आप इसको फ्लैश फिल करना चाहते हैं। इसके बाद इस वाले ऑप्शन पर जा करके यहाँ से आप फ्लैश फिल इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप फ्लैश फिल करेंगे आप देखेंगे आपका जो भी यहाँ पर डेटा था वो डेटा यहाँ पर फ्लैश फिल होकर के आ चुका है। इसी तरीके से इसमें से अगर आप कुमार को यहाँ से फ्लैश फिल करना चाहते हैं तो सिंपली कुमार को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से जाकर के आपको फ्लैश फिल पे क्लिक कर देना होगा। आप देखेंगे इसका जो सरनेम था वो यहाँ से फ्लैश फिल हो चुका है। इसी तरीके से इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे मोहन कुमार है, तो यहाँ पर मान लीजिए हम लिख लेते हैं एम कुमार। इसका जो फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर है मैं उसे पहले चाहता हूँ कि वो वर्ड हमारे सामने पहले आ जाए, उसके बाद उसका सरनेम यहाँ पर शो करे। तो उसके लिए क्या करना है आपको, सेम इसी तरीके से डेटा को सिलेक्ट करना है। यही ऑप्शन मैं आपको बताऊँ, डेटा टाइप के अंदर अगर आप जाते हैं तो डेटा टाइप के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे डेटा वैलिडेशन के ऊपर आपको फ्लैश फिल का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे जाता है। तो यहाँ से भी आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ये फ्लैश फिल आपको यहाँ भी मिलता है और ये फ्लैश फिल आपको होम टैब के अंदर भी मिलता है। तो इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पर एम यानी एम कुमार यानी मोहन कुमार, ए शर्मा यानी कि कमल शर्मा, डी सिंह यानी कि दीपक सिंह, ए त्यागी यानी आदित्य त्यागी, पी ठाकुर यानी कि पवन ठाकुर, इस तरीके से आपका यहाँ पर ये डेटा रिप्रेजेंट कर देगा। इसका जो तीसरा एग्जांपल है यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप इसके सरनेम का और इसके फर्स्ट नेम का दोनों का ही शुरू का वर्ड चाहते हैं, जैसे यहाँ पर मोहन कुमार है और यहाँ पर हमने लिखा है एम के यानी मोहन कुमार शॉर्ट में, अगर इस तरीके से आप उसको फ्लैश फिल करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप इसको फ्लैश फिल कर सकते हैं। आपको एक बार एम के लिखना होगा, लिखने के बाद आपको एरिया सेलेक्ट करना होगा, एरिया सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना होगा फ्लैश फिल वाले ऑप्शन पर और इस पर सिंपली क्लिक कर देना होगा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके जो भी अल्फाबेट्स थे वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे, जैसे मोहन कुमार का एम के है, कमल शर्मा का के एस है, दीपक सिंह का डी एस है, आदित्य त्यागी का ए टी है, पवन ठाकुर का पी टी है। तो इस तरीके से आप इसको फ्लैश फिल कर सकते हैं। इसके बाद इसका एक और एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप इस नाम के आगे श्री, मिस्टर या कुछ भी लगाना चाहते हैं तो वो भी काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इन सभी कामों के लिए पहले हमें बहुत सारे फॉर्मुलों का यूज करना पड़ता था 2007 वर्जन के अंदर, अब 2019 के अंदर ये लेटेस्ट वर्जन अपडेट हुआ है हमारा जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स इन्होंने एक्स्ट्रा दिए हैं। तो मैं एक एक करके आपको सभी फीचर्स के बारे में बताऊंगा, इसकी मैंने पूरी सीरीज आपकी बना रखी है, आप मेरी सीरीज को देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने सभी ऑप्शंस का यूज बताया हुआ है। तो चलिए इसका भी यूज मैं आपको करके दिखाता हूं। इसके लिए करना क्या होगा, आपको एक बार यहां पर नाम टाइप करना होगा, जैसे मैं टाइप कर लेता हूं श्री मोहन कुमार लिखने के बाद एंटर प्रेस करिए और इसको पूरा डेटा को इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद चले जाइए वापस से फ्लैश फिल वाले ऑप्शन पर। इस ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ऑप्शन हमारा फ्लैश फिल हो चुका है। आप देखेंगे हर एक पर्सन के नाम के आगे श्री यहाँ पर लग चुका है। तो इस तरीके से भी आप इसे फ्लैश फिल कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये बहुत ही कमाल का ऑप्शन है, ये बेसिकली कई तरीके से फ्लैश फिल करता है। यहाँ पर आप देखेंगे हमने वही नाम फिर से लिए हुए हैं और साथ के साथ उनका एड्रेस और उनका पिन कोड भी हमने यहाँ पर लिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पर उनका सिर्फ नाम चाहिए तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आपको सिर्फ उनका नाम निकालना है इसमें से, उनका एड्रेस और उनका पिन कोड नहीं चाहिए आपको, तो यहाँ पर आप नाम टाइप कर दीजिए, जैसे मोहन कुमार लिखने के बाद आपको क्या करना है, डेटा को सिलेक्ट करना है और वापस से जाना है फ्लैश फिल वाले ऑप्शन पर। और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका डेटा यहाँ से फ्लैश फिल हो चुका है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नाम को इसने इस पूरे डेटा में से निकाल करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरीके से अगर आप ये चाहते हैं कि भाई इसका स्टेट मुझे चाहिए यानी स्टेट अलग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, जैसे मैंने लिख दिया आगरा, और आगरा लिखने के बाद मैंने डेटा को सिलेक्ट किया। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद फ्लैश फिल पर जैसे क्लिक किया आप देखेंगे आपके जितने भी स्टेट्स थे यहाँ पर उन सभी स्टेट्स को यहाँ से निकाल करके उसने अलग से आपको रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद अगर हम पिन कोड की बात करें तो यहाँ पर मान लीजिए हमने एक पिन कोड लिखा हुआ है, किसका, मोहन कुमार का
293125। और अब मैं इसके पिन कोड्स को अलग करना चाहता हूँ, इसके पिन कोड्स को मैं फ्लैश फिल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर डेटा को सिलेक्ट करेंगे और फ्लैश फिल पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे इन सभी का जो भी पिन कोड था वो यहाँ पर अलग से रिप्रेजेंट। तो ये फ्लैश फिल बहुत ही कमाल का ऑप्शन है हमारे एमएस एक्सेल का। के बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर है हम उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके लिए हम वापस से अपनी उसी पुरानी शीट पर चले जाते हैं और उसके बाद होम टैब पर जाने के बाद यहाँ पर हम वापस से आ जाते हैं इसी ऑप्शन पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्लियर्स का ऑप्शन है, जिसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन आपका क्लियर का। आप किसी भी डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ से उसे क्लियर करना चाहते हैं, तो जैसे आप क्लियर ऑल करेंगे पूरा का पूरा डेटा आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, आप यहाँ पर देखेंगे क्लियर फॉर्मेट्स, यानी कि अगर आप इस फॉर्मेट को क्लियर करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करिए और यहाँ से जाकर के क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक कर दीजिए। जो भी आपने फॉर्मेटिंग इसमें कर रखी होगी वो सारी फॉर्मेटिंग यहाँ से क्लियर हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वो है कंस्टेंट, यानी इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपका कंटेंट होगा वो भी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वो है क्लियर कमेंट्स। अगर आपने इसमें कोई कमेंट लगा रखा है तो पहले मैं आपको कमेंट लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको जाना होगा रिव्यू टैब के अंदर। रिव्यू टैब के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने कमेंट्स के कुछ ऑप्शन शो हो जाएंगे। मान लीजिए मैंने हिस्ट्री को सिलेक्ट किया और यहाँ पर कुछ कमेंट लिख दिया हेलो, और इस कमेंट को मैं चाहता हूँ यहाँ से रिमूव करना। मैं जब भी इसके ऊपर आता हूँ तो ये मुझे हेलो का कमेंट देता है, तो इस कमेंट को अगर मुझे रिमूव करना है हटाना है तो मैं क्या करूँगा, होम टैब में जा करके वापस से क्लियर ऑप्शन पे जा करके यहाँ से यूज करूँगा क्लियर कमेंट्स का। क्लियर कमेंट ऑप्शन जैसे मैं यहाँ पर यूज करूंगा आप देखेंगे यहाँ से जो कमेंट का ऑप्शन था वो यहाँ से क्लियर हो चुका है। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लियर हाइपर लिंक, यानी अगर आप इसके ऊपर लिंक लगा देते हैं किसी डेटा के ऊपर, अगर आपने लिंक लगाया हुआ है, जैसे मान लीजिए मैंने टोटल को सिलेक्ट किया और यहाँ पर कंट्रोल के प्रेस किया, कंट्रोल के हाइपर लिंक की शॉर्टकट की है, हाइपर लिंक की वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ कि लिंक कैसे लगाया जाता है। आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको ले लेना है कोई भी फाइल जिसके ऊपर आप इसे लिंक लगाना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट की एक हमारी फाइल है, इसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया और इसे मैंने कर दिया ओके। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारा लिंक लग चुका है। जब भी मैं इस टोटल पे जाकर के क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पर इसे ओके करूंगा, तो ओके करने के बाद आप देखेंगे ड्रॉप डाउन की जो फाइल थी हमारी यहाँ पर ये ओपन हो चुकी है। तो अब इसी तरीके से अगर आप इस लिंक को क्लियर करना चाहते हैं, इस लिंक को यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो इस सेल को आपको एक बार सेलेक्ट करके रखना होगा। सेलेक्ट करके रखने के बाद क्लियर वाले ऑप्शन पर जाना होगा और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा क्लियर हाइपर लिंक का। इस क्लियर हाइपर लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए इसके ऊपर जब भी आप जाएंगे तो यहाँ पर अब लिंक आपका शो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप लिंक यूज कर सकते हैं। लिंक यूज करने के बाद हमने इसको कंट्रोल जेड कर दिया, इस पर फिर से वापस से लिंक लगा दिया है और इसके बाद अब इस लिंक को ही मुझे क्लियर करना है, यानी लिंक को मैं चाहता ही नहीं कि इस पर लिंक लगा हो। तो उसके लिए वापस से चले जाइए इसी वाले ऑप्शन पर और क्लियर वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपका नेक्स्ट ऑप्शन होगा रिमूव हाइपरलिंक। रिमूव हाइपरलिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो भी लिंक था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से लिंक को यहाँ से क्लियर कर देता है। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे शॉर्ट एंड फिल्टर का हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है। बेसिकली लोगों को शॉर्ट एंड फिल्टर तो आता है, लेकिन इसके अंदर जो हमारे एक ऑप्शन है कस्टम सॉर्ट का, ये कस्टम सॉर्ट का ऑप्शन काफी लोगों को नहीं आता, तो मैं इन सभी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा सॉर्ट ए टू जेड, यानी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सबसे पहले आप स्मॉल वैल्यू लेना चाहते हैं, उसके बाद लार्ज, उसके बाद लार्ज, उसके बाद लार्ज, यानी सबसे पहले लोएस्ट वैल्यू, उसके बाद हाइएस्ट, हाइएस्ट, हाइएस्ट। तो इसी तरीके से दूसरा जो ऑप्शन है आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपका हाईएस्ट होगा, उसके बाद लोएस्ट होगा। सबसे पहले आपकी सबसे बड़ी वैल्यू शो होगी, उसके बाद उसकी उससे लो। इस तरीके से आपका ये जो डेटा है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ से मैं शीट पर इस फिल्टर को लगा के आपको दिखा देता हूँ। डेटा को सिलेक्ट करेंगे हम लोग, इसकी शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, आप इससे भी इसको लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। और मैं यहाँ से फिल्टर को सिलेक्ट करके यहाँ पर फिल्टर को लगा देता हूँ। देखेंगे यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन है, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो फिल्टर हमारा यहाँ पर लग चुका है। अब यहाँ पर मैं टोटल को असेंडिंग और डिसेंडिंग में करना चाहता हूँ, तो अभी आप देखेंगे 256, 268 और यहाँ पर जो हमारा वैल्यूज है वो कॉम्बिनेशन एंट्री है, कॉम्प्लेक्स है, मिली जुली है। और अब आपको इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना होगा और इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपका ये ऑप्शन यहाँ पर भी शो हो जाएगा, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका सबसे पहले स्मॉल वैल्यू, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, इस तरीके से आपका डेटा एनालाइज हो जाएगा। इसी का अपोजिट है लार्जेस्ट टू स्मॉल, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आप इसे चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं इसी तरीके से। तो ये था हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन। इसके बाद इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आता है हमारा कस्टम सॉर्ट का। इसके बाद मैं आपको और भी ऑप्शंस फिल्टर के बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे आप बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, जिसमें आप सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉल मैं आपको बता चुका हूँ।
सॉर्ट की अगर हम बात करें तो कस्टम सॉर्ट में अभी आपको बताऊंगा कि कस्टम सॉर्ट का किस तरीके से यूज किया जाता है। इसके बाद के जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस क्लियर करने के लिए हैं, फिल्टर वगैरह क्लियर करने के लिए ऑप्शंस हैं। नंबर्स के थ्रू अगर आपको सॉर्ट एंड फिल्टर करना है तो यहाँ से आप नंबर के थ्रू आप इसे सॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे इक्वल, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इस तरीके की कंडीशन लगा करके आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आप देखेंगे सभी लोगों के रोल नंबर्स यहाँ पर शो अप हो रहे हैं। रोल नंबर्स को हमने यहाँ पर सिलेक्ट ऑल हटा दिया। अगर मुझे सिर्फ रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2 की डिटेल देखनी है तो मैं उस डेटा को यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा, सिंपल ओके करूंगा, तो आप देखेंगे 1 और 2 का यहाँ पर डेटा दिखाई दे रहा है, बाकी किसी का भी डेटा शो अप नहीं हो रहा। अगर आपको सबका डेटा चाहिए तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑल पर वापस से क्लिक करिए, ओके करिए, तो ये फिल्टर कर देगा, यानी आपका सारे डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देगा। इस फिल्टर को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, वापस से सॉर्ट एंड फिल्टर वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से क्लियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो क्लियर वाले ऑप्शन पर होगा क्या, यहाँ पर जो भी हमने कंडीशंस यहाँ पर लगा रखी है वो फिल्टर की कंडीशन यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। अगर आपको पूरा का पूरा फिल्टर ही हटाना है तो आपको क्या करना होगा, वापस इसी ऑप्शन पर जाना होगा और यहाँ से आपको इस फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये फिल्टर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद का जो ऑप्शन आप देखेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आपका कस्टम सॉर्ट का भी है, कस्टम सॉर्ट किस तरीके से यूज किया जाता है। तो कस्टम सॉर्ट का जो ऑप्शन है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कलर्स को फिल कर लेते हैं। जैसे मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसको कलर्स को हाईलाइट कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कोई भी कलर ले लिया और इसी तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर भी कोई दूसरा कलर सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पर भी सिलेक्ट करके मैंने इसके अंदर कोई तीसरा कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कलर्स के थ्रू इसको सॉर्टिंग करना, यानी पॉलिटिकल के जो भी मेरे मार्क्स हैं वो कलर्स के थ्रू शॉर्टिंग हो जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप इस डेटा को सिलेक्ट करके रखेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे वापस से सॉर्ट एंड फिल्टर वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर चले जाएंगे कस्टम सॉर्ट वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कस्टम सॉर्ट का ऑप्शन, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज आएगा जिसमें सबसे पहला मैसेज आपका एक्सपेंड द सिलेक्शन और सेकंड जो ऑप्शन है आपका कंटिन्यू द करंट सिलेक्शन, यानी कि हम कंटिन्यू करना चाहते हैं करंट सिलेक्शन पर, तो हम करंट सिलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर शॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करेंगे। शॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने कुछ मेन्यूज यहाँ पर ओपन हो जाएंगे और उसके अंदर आपको अपना मेन्यू सिलेक्ट करना है। आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का आपका मेन्यू यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही सिलेक्ट है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आप इस सॉर्टिंग को कितने तरीके से यूज करना चाहते हैं, सेल कलर्स पर यूज करना चाहते हैं, सेल वैल्यूज पर यूज करना चाहते हैं, फॉन्ट कलर्स पर यूज करना चाहते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग आप इसको यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सेल कलर, मैं सेल कलर के अकॉर्डिंग इसको सॉर्टिंग करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे आपके जितने भी कलर्स आपने वहाँ पर दिए हुए हैं वो सभी के सभी यहाँ पर शो अप हो जाएंगे। तो आप टॉप पे कौन सा फिल्टर लगाना चाहते हैं, तो टॉप पे मैं चाहता हूँ ब्लू फिल्टर करना, तो यानी ब्लू वाले कलर को मैं चाहता हूँ ऑन टॉप, ये बिल्कुल टॉप पे आए। इस पर जैसे मैं ओके करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा ब्लू वाला डेटा था वो यहाँ टॉप पे शो हो गया, इसके बाद का हमारा डेटा यहाँ पर शो अप हो गया। इसके बाद आप चाहते हैं येलो वाला पोर्शन आपका बीच में आना चाहिए और ये वाला कलर आपका नीचे आना चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, वापस इसी सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे, कस्टम सॉर्ट पे वापस से क्लिक करेंगे, कंटिन्यू द करंट सिलेक्शन पर सिलेक्ट करते हुए इसे सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सिंपली प्लीज कलर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से ले लेना है आपको टॉप ऑन बॉटम। ऑन बॉटम को सिलेक्ट करके जैसे आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपका यहाँ पर ऑन बॉटम सिलेक्शन हो चुका है। तो इस तरीके से आप सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज कर सकते हैं, इसकी सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो ये फिल्टर का सारे ऑप्शन थे। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर फाइंड ऑप्शन की, तो आप देखेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है फाइंड ऑप्शन। इसके अंदर फाइंड एंड सिलेक्ट का ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन हमारा फाइंड। तो फाइंड का मतलब होता क्या है, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, किसी भी डेटा को अगर हम ढूंढना चाहते हैं तो इसकी मदद से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने दो ऑप्शन है, एक पहला है फाइंड का और दूसरा है रिप्लेस का, यानी उस डेटा को हटा करके आप दूसरा डेटा भी यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर फाइंड करना चाहता हूँ 78 को, तो 78 मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। 78 टाइप करने के बाद मैंने इसको फाइंड किया, जैसे मैंने इसको फाइंड किया आप देखेंगे यहाँ पर कर्सर पे वो ऑटोमेटिकली पहुंच गया है। और उसके बाद इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ 78 की जगह 58 से, तो जैसे मैं यहाँ पर रिप्लेस पे क्लिक करूंगा तो रिप्लेस कर देगा वो इस डेटा को, यहाँ देखिए 78 की जगह वहाँ पर 58 रिप्रेजेंट हो गया। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर रिप्लेस ऑल का भी ऑप्शन है। रिप्लेस ऑल का मतलब ये होता है कि जितना भी डेटा आपने फाइंड किया हुआ है उन सभी डेटा को, यानी जितनी भी जगह आपका 78 डेटा होगा उस डेटा को हटा करके यहाँ पर 58 रिमूव कर देगा। वन बाय वन रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस ऑप्शन का यूज करेंगे। फाइंड ऑल करना है तो फाइंड ऑल पे क्लिक करते ही जहां जहां पर आपका 78 होगा ये वहां पर आपको रिप्रेजेंट करा देगा। फाइंड नेक्स्ट करने का मतलब ये होता है कि जहां जहां पर आपका ये डेटा होगा ये वहां वहां पर आपको रिप्रेजेंट करेगा, यानी इस जगह पर आपका 50 यानी इस जगह पर आपका 78 डेटा है। तो हम यहाँ पर इन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है गो टू। यहाँ पर जाते हैं, सबसे पहला ऑप्शन आपका फाइंड मैंने आपको बता दिया, रिप्लेस मैंने आपको बता दिया, इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारा गो टू। गो टू पे जाने के बाद जब आप गो टू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोई भी सेल का एड्रेस आप दे देते हैं, जैसे मैंने दे दिया E5। जैसे मैं E5 दे करके यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखें यह हमें उस वाले सेल पर ले जा करके जंप करा देगा। तो इस तरीके से हम उस जगह तक पहुंच सकते हैं जहां पर हमें जाना है। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा गो टू स्पेशल।
गो टू स्पेशल पे आप क्लिक करिए, आपके सामने देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इन सभी ऑप्शंस का यूज हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा कमेंट। उसके बाद इसे अगर डायरेक्टली आप ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल जी प्रेस करिए, कंट्रोल जी से आपका गो टू ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे स्पेशल का एक ऑप्शन है, इस स्पेशल वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका स्पेशल ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक ऑप्शन भी यहाँ पर एक्टिवेट किया हुआ है, इस सर्कल वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो भी आपका यहाँ पर गो टू स्पेशल ओपन हो जाएगा। तो ये चीज हमने किस तरीके से की है, इसके लिए आपको करना क्या है, आपके सामने एक ड्रॉप डाउन नजर आएगा, इस ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे लास्ट में लास्ट सेकेंड ऑप्शन आपका आएगा मोर कमांड्स का, इस मोर कमांड्स पे आपको क्लिक करना है। मोर कमांड्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जाना होगा पॉपुलर कमांड्स के ऊपर, और पॉपुलर कमांड्स में से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा ऑल कमांड्स। इस ऑल कमांड्स को जैसे आप सिलेक्ट करेंगे इसके बाद आप नीचे क्लिक करिए, नीचे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जी दबाइए, जी के बाद यहाँ पर सर्च करिए, यहाँ पर आपको गो टू स्पेशल यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये मिल गया हमें गो टू स्पेशल, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐड करा दीजिए। मैंने पहले से इसको यहाँ पर ऐड किया हुआ है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सिंपल ओके कर देता हूँ। ये तो मैंने आपको सिर्फ एज अ नॉलेज के लिए बता दिया कि आप इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपली क्लिक करके डायरेक्टली गो टू को ओपन कर सकते हैं। तो मेरी जो आदत है वो मैं कंट्रोल जी दबा करके उसके बाद स्पेशली उसको ओपन करता हूँ, तो मैं वही तरीका यूज करूंगा, कंट्रोल जी दबाऊंगा और यहाँ पर स्पेशल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मेरे सामने ये फंक्शंस यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन आप यहाँ पर देखेंगे, इसका जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है कमेंट्स। अगर आप अपनी फाइल के अंदर कमेंट्स ढूंढना चाहते हैं, कमेंट्स देखना चाहते हैं, तो आप देखेंगे इस फाइल के अंदर हमने यहाँ पर दो जगह कमेंट्स लगा रखे हैं। जब भी हम इस पर क्लिक करके ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उन सेल्स को यहाँ पर हाईलाइट कर देगा। आप देखेंगे उन दोनों सेल्स को इसने हाईलाइट यहाँ पर कर दिया है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर यहाँ पर कमेंट का हमने यूज किया हुआ है। तो इस तरीके से आप उस डेटा को यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है हमारा गो टू स्पेशल के अंदर वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कांस्टेंट के अंदर काफी सारे ऑप्शंस हैं, नंबर्स हो गया, टेक्स्ट हो गया, लॉजिकल्स हो गए, एरर्स हो गए। तो आप कांस्टेंट के अंदर किस चीज को ढूंढना चाहते हैं, तो कांस्टेंट के अंदर से हम फिलहाल अभी सभी चीजों को हटा देते हैं। सभी चीजों को हटाने के बाद सिंपली हमने नंबर्स को रखा हुआ है और उसके बाद हम यहाँ पर ओके करेंगे। जैसे हम यहाँ पर ओके करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने वो नंबर्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी एक नंबर्स है और यहाँ पर भी एक नंबर है, बट ये जो नंबर है ये फॉर्मूले के थ्रू लाया गया, यानी हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया हुआ है, और ये जो नंबर है ये हमने हाथ से खुद से टाइप किया हुआ है। इस वजह से यहाँ पर जो हमारे वैल्यूज है वो हमारे कॉन्स्टेंटली शो हो रहे हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हमारा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला पे आप क्लिक करके यहाँ पर भी आप देखेंगे वही सारे ऑप्शंस शो हो रहे हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं, नंबर देखना चाहते हैं, टेक्स्ट देखना चाहते हैं, लॉजिकल देखना चाहते हैं, एरर्स देखना चाहते हैं। तो मैं एक एक करके आपको सारे डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इन तीनों चेक मार्क्स को यहाँ से हटा देता हूँ, मैं अभी सिर्फ नंबर रखता हूँ और यहाँ पर ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो भी हमारा फॉर्मूला नंबर्स के अंदर यूज हुआ था वो हाईलाइट हो चुका है। इसके बाद फिर से कंट्रोल जी प्रेस करके मैं स्पेशल पर जाता हूँ। स्पेशल पर जाने के बाद यहाँ पर वापस से फॉर्मूला सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर नंबर को हटा करके मैंने यहाँ पर रखना है टेक्स्ट। टेक्स्ट को रख करके जैसे मैं यहाँ पर ओके करूंगा तो आप देखेंगे जहां पर भी हमारा टेक्स्ट लगा हुआ है, यानी टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज किया है हमने, वो सेल हमारा यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है। तो इसके बाद हम यहाँ पर लॉजिकल को देख लेते हैं, लॉजिकल ऑप्शन हमारा क्या काम करता है। तो कंट्रोल जी करते हैं हम लोग, स्पेशल पर जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं फॉर्मूला वाले ऑप्शन पर, और यहाँ से हमने एरर्स को हटा दिया, बाकी लॉजिकल को रहने दिया। लॉजिकल के अंदर या तो टेक्स्ट होगा या नंबर होगा, इन दोनों चेक मार्क्स को हम यहाँ पर टिक रखेंगे और यहाँ पर सिंपली ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे आपका लॉजिकल वैल्यू यहाँ पर शो हो गई, यानी इन दोनों के अंदर हमने फॉर्मूला लगा रखा है जिसमें टेक्स्ट का भी फॉर्मूला है और नंबर्स का भी फॉर्मूला है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर शो अप हो रहे हैं। ये था हमारा लॉजिकल ऑप्शन। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है हमारा एरर्स का, तो इन सभी टिक मार्क्स को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और रिमूव करने के बाद हम एरर को यहाँ पर रखते हैं। एरर को रखने के बाद यहाँ पर ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपके जो भी एरर्स थे वो यहाँ पर शो हो चुके हैं। हमने पहले से एरर का एक कॉलम बनाया हुआ था आपको समझाने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा वो है ब्लैंक सेल्स का। तो ब्लैंक सेल्स के हम किस तरीके से यूज करते हैं, हम चले जाते हैं शीट 1 के ऊपर। हमने देखिए यहाँ पर पहले से एक डेटा बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने कुछ सेल्स को ब्लैंक छोड़ा हुआ है। अब इन ब्लैंक सेल्स का करना क्या है, हमें डेटा को हम लोग एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी प्रेस करिए, कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद यहाँ से स्पेशल पे चले जाइए। स्पेशल पर जाने के बाद यहाँ से ब्लैंक को सिलेक्ट कर लीजिए। ब्लैंक को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिंपली ओके कर दीजिए। अब ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपकी जो रोज थी, जो ब्लैंक रोज थी, वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है। आप कंट्रोल माइनस के साथ इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और एंटायर रो पे क्लिक करके यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आपका ये जो डेटा था वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, यानी जो ब्लैंक रो थी वो यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। इसी तरीके से आप कॉलम्स को भी डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से स्पेशल पे क्लिक करेंगे। स्पेशल पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर करंट रीजन का। अब ये करंट रीजन क्या है तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करिए
और कंट्रोल ए दबा दीजिए। कंट्रोल ए दबाने से आप देखेंगे करंट रीजन हमारा यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है, यानी जो भी डेटा था हमारा वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। यही काम आप डायरेक्टली आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कंट्रोल जी प्रेस करिए, स्पेशल पर जाइए और यहाँ से करंट रीजन पर सिलेक्ट करके आप ओके कर दीजिए, वो डेटा आपका यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट तरीका आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा हमारा करंट रीजन को सिलेक्ट करने का, तो डायरेक्टली आप इसकी शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं कंट्रोल ए करके। तो ये छोटा सा ऑप्शन था हमारा। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वो है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट किस लिए काम करेगा, तो ऑब्जेक्ट के लिए हम चले जाते हैं दूसरी शीट के ऊपर। सेकंड शीट पर जाने के बाद आप देखेंगे हमने कुछ पिक्चर्स ली हुई हैं, कुछ इमेजेस ली हुई हैं, और इसके बाद यहाँ पर हम कंट्रोल जी प्रेस करेंगे। कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद स्पेशल में जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद जैसे हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे, ओके प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपका जो भी ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। आप टैप की प्रेस करके यहाँ से शिफ्ट हो सकते हैं, वन पिक्चर से दूसरी पिक्चर पर मूव हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप टैप की का यूज करके एक दूसरे का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक छोटा सा ही टॉपिक था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है क्या, और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे रो डिफरेंट। अब ये रो डिफरेंट क्या काम करेगा, आप देखिए आपके पास एक डेटा है, इस डेटा में से हमने किसी भी डेटा को सिलेक्ट किया। अब आप देखेंगे सभी डेटा के अंदर सेम वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट है, जैसे 65 है तो 65 आपके पूरे रो के अंदर है, उसी तरीके से 36 पूरे रो के अंदर है। अब इनमें अगर डिफरेंटली बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू रॉन्ग आ गई है, यानी कोई वैल्यू जो है जो इसके साथ मैच नहीं हो रही है, तो उस रो डिफरेंट को ये क्या करेगा, यहाँ से फाइंड कर लेगा। सिंपली हम चले जाते हैं कंट्रोल जी प्रेस करके स्पेशल के अंदर और यहाँ से सिलेक्ट करते हैं रो डिफरेंट और यहाँ पर सिंपल कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके जो भी रो डिफरेंट थे वो यहाँ पर शो अप हो चुके हैं। यहाँ से आप चाहें तो इसके अंदर कलर फिल करके उसको हाईलाइट कर सकते हैं। सेम एज इट इज इसी तरीके से आपका कॉलम डिफरेंट का भी एक ऑप्शन है। आप डेटा को इस तरीके से सिलेक्ट करिए, कंट्रोल जी प्रेस करिए, स्पेशल पर जाइए और यहाँ से कॉलम डिफरेंट को सिलेक्ट करके यहाँ पर ओके कर दीजिए। आप देखेंगे आपके तीन डेटाबेस यहाँ पर भी हैं जो डिफरेंट है अपनी इस वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आप इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये हमारे रो और कॉलम डिफरेंस ऑप्शंस थे जो आप इस तरीके से इनको फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, आप फिर चले जाइए कंट्रोल जी प्रेस करके वापस इसी ऑप्शन पर और यहाँ पर आप देखेंगे आपका एक ऑप्शन है प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट। अब ये प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट क्या काम करता है, तो यहाँ पर हम छोटी सी एक वैल्यू टाइप कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम कोई भी दो तीन डिजिट्स की वैल्यू टाइप कर लेते हैं। इन वैल्यूज को टाइप करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू का यूज करने के बाद इन सभी वैल्यूज को यहाँ पे हम लोग सम कर लेते हैं, यानी इसको प्लस कर लेते हैं। प्लस करने के बाद इस पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद हम सिंपली चले जाएंगे कंट्रोल जी वाले ऑप्शन पर। कंट्रोल जी पर जाने के बाद स्पेशल पर क्लिक करिए और यहाँ पर आप चले जाइए प्रेसिडेंट्स के ऊपर। प्रेसिडेंट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे आप इसे ओके प्रेस करेंगे, ओके प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपकी तीनों सेल्स जो भी आपने इसमें प्लस की थी वो वैल्यू यहाँ पर शो अप हो चुकी है। तो ये थी हमारी रो प्रेसिडेंट। यही सेम वर्क आपका एक ऑप्शन और है जो यही काम करता है। इसके लिए आप चले जाइए फॉर्मूला टैब के अंदर, आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन है ट्रेस प्रेसिडेंट का और ट्रेस डिपेंडेंट्स का तो और रिमूव एरोस का। तो इन तीनों ऑप्शन का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप टोटल करके रखिए और यहाँ पर ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक कर दीजिए। ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपकी जो भी वैल्यूज थी, जिन वैल्यूज को हमने इसके अंदर प्लस किया है, वो तीनों के तीनों वैल्यूज यहाँ विद एरो आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाती है। ये था हमारा रो प्रेसिडेंट। और अगर हम डिपेंडेंट्स की बात करें तो डिपेंडेंट्स क्या काम करता है, पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद मान लीजिए कि एक तो हमारा टोटल ये था, इसके अलावा हमने इज इक्वल टू का यूज किया और इसके अंदर हमने इस वैल्यू को यहाँ भी जोड़ा है और इस वैल्यू को हमने इसमें भी जोड़ा है। इसके बाद हम इसके ऊपर एंटर प्रेस करेंगे और इस वैल्यू को सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर जैसे ट्रेस डिपेंडेंट्स पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि इस वैल्यू का यूज यहाँ भी हुआ है और इस वैल्यू का यूज यहाँ भी हुआ है। तो इस तरह से आप ट्रेस कर सकते हैं प्रेसिडेंट्स को भी और ट्रेस डिपेंडेंट्स को भी। यही काम आप यहाँ एरो की मदद से भी कर सकते हैं और यही काम आप कंट्रोल जी करके यहाँ पर स्पेशल पे क्लिक करके। तो यहाँ पर आपको डेटा को सिलेक्ट करके रखना है और यहाँ पर प्रेस करना है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद स्पेशल पे क्लिक करना है और यहाँ पर चले जाना है डिपेंडेंट्स के ऊपर। डिपेंडेंट्स के ऊपर सिलेक्ट करके आप यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो ओके प्रेस करते ही आपको दिखा देगा इस वैल्यू का यूज आपने यहाँ भी किया हुआ है, इस वैल्यू का यूज आपने यहाँ भी किया हुआ। तो इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये तो एक छोटा सा फंक्शन था। इस डेटा के बिल्कुल नीचे आकर के हमने कोई डेटा यहाँ पर फिल कर दिया। फिल करने के बाद हम ऊपर डेटाबेस पे हैं और हमें जाना है बिल्कुल लास्ट सेल के ऊपर, यानी इसका जो लास्ट सेल है वो कौन सा है जहाँ पर हमारा डेटा फिलअप है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल जी और कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद स्पेशल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लास्ट सेल पे क्लिक करके ओके प्रेस करेंगे। तो ओके प्रेस करते ही देखिए इसने हमें पहुंचा दिया बिल्कुल लास्ट सेल पे, जो हमारा लास्ट सेल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये हमारा लास्ट सेल था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन की, तो नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा है, विजुअल सेल ओनली। विजुअल सेल ओनली का क्या यूज होता है, तो यहाँ पर हम इसके लिए हमने पहले से ही एक शीट बनाई हुई है, हम ले चलते हैं आपको उस वाली शीट पर। यहाँ पर देखिए हमने सब टोटल किया हुआ है। अभी सब टोटल की वीडियो हमने पहले से ही बनाई हुई है, अगर आपको ये वीडियो देखनी है कि सब टोटल किस तरीके से निकाला जाता है, यानी टोटल का भी टोटल ग्रैंड टोटल किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने ग्रैंड टोटल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसके
अगर आप इसे देखना चाहते हैं हमारे लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप वहां से ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें समझ सकते हैं इसको हमने किस तरीके से किया हुआ है, किस तरीके से हमने ग्रैंड टोटल निकाला है। मैं इस चीज को यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करूंगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इन सभी डेटा को माइनस कर देते हैं यहाँ से इस तरीके से, और हमारा ये ग्रैंड टोटल हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। यानी एप्पल का टोटल हमारा अमाउंट ये रहा, वीवो का टोटल अमाउंट हमारा ये रहा, ओप्पो का टोटल अमाउंट ये रहा, और ग्रैंड टोटल हमारा ये रहा। इसको अगर हम प्लस करके मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर इन सभी एप्पल्स के हमारे पास तीन आइटम है जिनके अलग अलग प्राइस लिस्ट है, अलग अलग क्वांटिटीज है, उनके टोटल प्राइस है, उनका ग्रैंड टोटल यहाँ नीचे हमारा शो अप हो रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, इस डेटा को जब भी मैं यहाँ से सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करके कॉपी करता हूँ और किसी अनदर प्लेस पे ले जाकर के पेस्ट करता हूँ, तो होता क्या कि मेरा वो पूरा का पूरा डेटा यहाँ से कॉपी होकर के पेस्ट हो जा रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा ये डेटा है सिर्फ यही डेटा कॉपी हो और अनदर प्लेस पर पेस्ट हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आपको पहले डेटा को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल जी पर प्रेस करना है, कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद स्पेशल पे जाना और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है विजुअल सेल ओनली, यानी जो डेटा हमारे सामने विजुअल है सिर्फ वही डेटा मुझे चाहिए। इसको सिलेक्ट करके हमें ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब आप कंट्रोल सी प्रेस करना है। कंट्रोल सी प्रेस करते ही आप देखेंगे आपके सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएंगे, और जैसे आप इसे अनदर प्लेस पे ले जाकर के कंट्रोल वी करेंगे तो आपका सिर्फ वही डेटा आपके सामने रिप्रेजेंट होगा जो डेटा आप यहाँ पर चाहते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा वही डेटा रिप्रेजेंट हुआ, इसके अंदर का जो डेटा था ये वाला वो यहाँ पर शो अप नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप विजुअल सेल ओनली का यूज कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, वो ऑप्शन है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप यहाँ पर आप हमारे लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो वीडियो भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आप देखेंगे हमने यहाँ पर कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज की है, तो ये हमें क्या करेगा, उस कंडीशनल फॉर्मेटिंग तक पहुंचा देगा। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखने के लिए कि शीट के अंदर हमने कितनी टाइप्स की कंडीशंस यूज की हैं, तो उसके लिए हम चले जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, यहाँ से चले जाएंगे मैनेज रूल्स के अंदर, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दिस वर्कशीट सेलेक्ट करेंगे, और इस वर्कशीट पे हमने जितनी भी कंडीशंस यूज की होंगी वो सारे फॉर्मूले यहाँ पर हमारे सामने रिप्रेजेंट कर देगा। तो फिलहाल हमने एक ही कंडीशन यहाँ पर यूज की है और मैं उस तक पहुंचना चाहता हूँ, तो उसके लिए और मैं उसे फाइंड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कंट्रोल जी प्रेस करूंगा। कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद स्पेशल पे जाऊंगा और यहाँ पर आप देखेंगे हमारा ऑप्शन आ जाएगा कंडीशनल फॉर्मेट्स का। कंडीशनल फॉर्मेट्स में यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ को ऑल लेते हुए, यहाँ पर ऑल रखते हुए हम सिंपली ओके प्रेस करेंगे। तो ओके प्रेस करते आप देखेंगे इन सभी डेटा के ऊपर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर रखा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन की ओर हम बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा वो है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का क्या यूज होता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है डेटा वैलिडेशन की मदद से। अगर आपको ये लिस्ट बनानी नहीं आती तो इसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है। इस वीडियो को देखने के लिए आप लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं कि आप किस तरीके से ड्रॉप डाउन बटन क्रिएट कर सकते हैं या डेटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं। तो इस जगह पर जाने के लिए यानी इसे फाइंड करने के लिए हम सिंपली कंट्रोल जी का यूज करेंगे, स्पेशल का यूज करेंगे और यहाँ पर ले लेंगे हम लोग डेटा वैलिडेशन। और डेटा वैलिडेशन लेने के बाद जैसे मैं ओके प्रेस करूंगा तो ये हमें उस सेल तक ले जाकर के पहुंचा देगा। तो गो टू स्पेशल के अंदर आपने देखा कितने सारे ऑप्शंस थे हमारे काम के, तो गो टू स्पेशल का जितना भी ऑप्शन था वो मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो इसके बाद जो बाकी सारे ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। इन ऑप्शंस का क्या क्या यूज किया जाता है, जिसमें आपका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, कमेंट्स मैंने आपको बता दिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने आपको बता दी, कॉन्स्टेंट मैंने बता दिया, डेटा वैलिडेशन मैंने आपको बता दिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का भी मैंने आपको बता दिया, और सिलेक्ट पेन्स, सिलेक्ट पेन के अंदर एक नया ऑप्शन है। ये बेसिकली क्या काम करता है, ये आपकी जितनी भी पिक्चर्स या जितनी भी इमेजेस होती हैं उन सभी को शो और हाइड करता है। जैसे मान लीजिए अभी हमने इस शीट के ऊपर ड्रॉप डाउन को यूज किया है, इसकी या इसको जैसे ही मैं क्लोज करूंगा तो ये देखिए ये ड्रॉप डाउन यहाँ से लिस्ट गायब हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग चले जाते हैं अपने ऑब्जेक्ट वाले पेज पर, और यहाँ से अगर मैं इन पिक्चर्स को हाइड करना चाहता हूँ तो आइस को क्लोज करने के बाद ये ऑप्शन यहाँ से हाइड हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ से हाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे हाइड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो एडिटिंग की। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।